अभी टाइम पौने 12 हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो सब मैंने कर ली है सारी पैकिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो यार अभी हम है भाई इस्लामाबाद में, ये हमारे रिजॉर्ट में एक भी कमरा ऐसा नहीं है। अरे ये तो भूल ही गया भाई। अरे बासिल क्यों रो रहे हो, एक मिनट जो पापा का व्लॉग बनाने दो उसके बाद रो लेना। भाई इसने जो है ना वो काफी तंग किया हुआ है बासिल ने, क्योंकि ये सफर इतना नहीं कर सकता जितना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी हमारे में है, जितना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, वो बच्चों में नहीं होता। तो बाय रोड जो है ना हम आ तो गए, बट हम गाड़ी में ही मुसलसल घूम रहे हैं। लाइक एक जगह रुकते हैं, दूसरे दिन फिर ट्रैवल, फिर एक जगह रुकना, फिर दूसरे दिन फिर ट्रैवल। सो अभी हम इस्लामाबाद क्यों आ गए अचानक से, और मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया कल? कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया, जो सफ़र था हमारा सवाज से इस्लामाबाद का, मैंने बोला कि यार ये पूरा बाय रोड है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। और पिछले मैं 8 दिन से मतलब मैं गाड़ियों के ही व्लॉग बना रहा हूँ। मतलब आज हमने क्या किया है, सबा और बासिल की फ़्लाइट करवा दी है और ये लोग जा रहे हैं हमें छोड़कर कराची बाय एयर। तो अभी 12 बजे हम निकल जाएंगे और इनकी है फ्लाइट 3 बजे। तो एयरपोर्ट जाते जाते हमें 1 घंटा लग जाएगा, 2 बजे तक या 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पे होंगे। और बस इनको कहते हैं अलविदा, पापा का चीटा मुन्ना, पापा का पापा को छोड़ के जा रहे हो भाई, पापा कैसे रहेंगे आपके बगैर, हाँ आपको कौन सा मालेगा। अब मेरे पास आना है, इसको देखो मेरे पास आना। आपने देखा होता अभी ये करता क्या है, किसी भी गोद में होगा ना डायरेक्ट मेरी गोद में आएगा, इसको पता है कि पापा कौन है। जब जब इसको ट्रेवल पे लेके गए ना, जब जब इसको दिमाग और खुलता गया, अभी ये और थोड़ा सा ना दिमाग तेज हो गया इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो फटाफट से बैग बैग नीचे लेके चलते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। चले सीढ़ियों पे, हंसाऊं आपको, हंसाऊं? ओके चलो हंसो। 1 2 3 बजर पर ठीक से जी ने हंसना शुरू, सीढ़ियों पे हंसता है भाई। 1 2 3 4 5 6 चलो जी। भाई बैग रख रहे हैं आप सारे? सारे नहीं, सिर्फ दो। सब आप दोनों ले जाओगे ना बैग? क्योंकि एक में मेले कपड़े हैं और न्यू कपड़े भी खत्म हो चुके हैं, तो मेरी ये लास्ट शर्ट बची है जिसमें मैंने भी कराची जाना है और ये 1-2 दिन चलानी है। क्यूटी क्यूटी सी पाए कहाँ घूम रही हो भाई, हाँ क्यूटी क्यूटी पाए। ओ भाई तो बहुत छोटा सा बच्चा है यार, ओए होए अकेला घूम रहा, पता नहीं इसकी माँ कहाँ है, अगर इसकी माँ होती तो अभी तक तो हमें पंजा भी मार देती। खुल जा सिम सिम, कल रात ही रात करवा ली मैंने टंकी फुल, टंकी फिर खत्म हो गई थी। ये आपकी दवाइयाँ, ये आपके सॉक्स, ठीक है यहाँ रख दिए। जिस होटल में अभी हम रुके हैं उधर ना भाई पापा लोग नहीं रुके, क्योंकि पापा को रूम नहीं मिला, तो पापा गए हैं भाई दूसरे होटल। तो चलते हैं अभी हम वहाँ पर, पापा लोग देखते हैं उठे या नहीं उठे और क्या प्लान है फिर पापा का, हम सबको एयरपोर्ट छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा। सो ये सारा ना पापा से ही डिस्कस होता है, देन उसके बाद फिर हम लोग वो प्लान गो थ्रू करते हैं। सो लेट्स गो। ओए निकल गई, बड़े मजे से निकाली है गाड़ी यार। चलो जी चलो जी। ओए चला चला चला। ओए पहुंच गया पापा के होटल। अबे 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 तू तो उठा हुआ है बे, अबे तेरा बड़ा वाला भाई तो सो रहा है बे, अबे हाँ बे, तू पापा लोग के पास रुका था क्या? अबे उठाया था लेकिन नहीं उठ रहा था, अम्मा पापा सब उठ गए, सब उठ गए सब। आ गया है, 1 घंटा डिले फ्लाइट। हाँ पता नहीं सवा जी फ्लाइट में जा रही है। अबे हाँ बे, तुझे जाना है, तुझे भेज दे। नहीं मुझे जाना भी है और नहीं भी जाना। अबे तो हमारे साथ चलियो, चल बाय रोड। मैं थक थक के जाएगी, थक थक के वो तो बेबी कैसे जा रही है सिर्फ। हाँ, बस पापा लोगों का काफी बड़ा रूम है भाई, 2 बेड्स हैं और एक ये, वाह। तो मम्मा पापा लोग भी सारे उठे हुए और मैंने पापा से पूछा पापा क्या सीन है, पापा ने बोला सबको छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं भाई मुल्तान, और हम मुल्तान जो है ना थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि मुल्तानी हमें हलवा चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है यार, फेमस है मुल्तानी हलवा, तो हम वो लेंगे और उधर थोड़ा बहुत घूम कर फिर निकल जाएंगे हम कराची के लिए। तो चलते हैं वापसी गाड़ी में। बासिल फटक। यस 3 मैक चिकन की मील, रेगुलर ड्रिंक कोक, थैंक यू। तो भाई मैकडोनल्ड से नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था हमने होटल में, तो अभी जो है वो हम जाएंगे फिर नाश्ता करने के बाद एयरपोर्ट और बस। रोना नहीं। अरे आ जाऊंगा कल ही, अपने बेबी को मिस करूंगा यार, तुम्हें कौन मिस करेगा, मैं तो अपने मुन्ने को मिस करूंगा ना। तो पहुंच गए भाई एयरपोर्ट, लेट्स गो। फिर रुक जाए, अभी 2.5 घंटे हैं, मैं अकेले बासिल को कैसे वो करूंगी। कोई नहीं तुम्हारे साथ जा रहे ना गार्ड भाई भी, तो फिर भी बासिल तंग नहीं करेगा। तो संभाल मैं उनको पकड़ा देना, या तुम बासिल को भी, जब तुम तंग करे तो उनको बोला थोड़ा संभाल ले, संभाल लेंगे। तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो अकेले जा रही हो। हाँ बाय 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 पापा, चलो सारे भाई। तो भाई जा रहे हो? नानी को जा रहा है। नानी जाएगा, एक दिन रुकेगा फिर पापा आ जाएंगे पीछे से इसके। बाय रोड कौन कौन से बैग है भाई? ये निकाले सारे सारे। हाँ गार्ड भाई का एक, बाकी मेरे। ओए भारी बैग। ओए भाई आज हमें इसकी जरूरत पड़ गई, सब अच्छी सारे बैग नहीं उठा सकती। ओए ओए
बाय 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 ठीक है, अब आपसे मिलेंगे बाद में, ठीक है, बाय बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना, गाड़ी आज से चलाएगा और भैया को दे देगा, आप सो जाइएगा आराम से पीछे। डिग्गी में नहीं सो जाऊँ, डिग्गी में सो जाऊंगा, सामान तो सारा निकल गया, दावे कर लो सब भाई, चलो पहले खोल लाफिस, बाय बाय। हाँ सीधा रो, बाय 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 बाय, चल जाओ चल चल, रोज पे कौन सा रोने, कल आ रहेंगे, चल बाय 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 बाय, सही है बाय बाय। तो कर दिया भाई सब अल्लाह हाफिज, और वो चली जाएगी और पहुँच के फिर हमें मैसेज कॉल कर लेगी कि मैं पहुँच गई हूँ सेफली, क्योंकि यार वो अकेले फर्स्ट टाइम जा रही है, मेरे साथ तो वो बहुत बार गई है, बट उसको खुद का अकेले का भी एक्सपीरियंस चाहिए था, कल को भाई मैं कहीं हूँ और मैं उसको बुलाऊँ तो वो खुद भी आ सके। चलो जी चलो जी। क्या हो गया मॉम, क्या हो गया? अरे भाई हुसैन की घड़ी रह गई पुरानी, 5-6 साल पुरानी है। कहाँ रह गई घड़ी? होटल में, हम तो आ गए अब जहाँ पर अभी रुके, इस्लामाबाद रुके थे। हाँ इस्लामाबाद, अगर वो मिल गई तो ठीक है, वरना तो फिर अफसोस होगा ना, पुरानी चीज पुरानी होती है भाई। कहाँ से ली थी? सऊदीया से। तो सैन से घूमी है, किसी से घूमी है? नहीं, फरिया ने नहीं रखी बैग में, फरिया ने घुमा दी, फरिया ने घुमा, फरिया ने घुमा दी भाई हुसैन की पुरानी घड़ी जो कि हमने सऊदीया से ली थी। अब अभी अल्लाह हाफिज़ कर दिया, और एक हमारा यहाँ से एक दोस्त भी अलग हो रहा है, तो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो, सही है। तो अब जो है सिर्फ हमारी फैमिली बची है, मतलब मम्मा पापा फरिया बाकी जितने भी है ना हम सब, और एक चाचू बचा है अभी भी, उनको हमने नहीं छोड़ा, हमने बोला हम तुम्हें गाड़ी में लेके जाएंगे क्योंकि तुम बहुत कॉमेडी हो, हमें हंसाएगा कौन फिर। तो चले भाई, चलो ओए चलो भाई। अरे बासिल के तो बलून ही भूल गया अपना, बासिल के लिए बलून रखा था हमने, अब टमाटर इससे तू खेल ले, पकड़ भी भूल गया अबे, ओए चल तू शूज भी पहन ले और ये भी खेल ले, चल अबे दोनों पहने हैं मैंने। ओए अभी यहीं रुके हुए थे हम, सबा को मैंने कॉल की कि सबा को टिकट्स मिल गई, सबा ने बोला टिकट्स मिल गई, लेकिन सबा ने बोला फ्लाइट जो है ना वो एक घंटा और डिले हो गई, पहले 3 बजे थी, 4:30 बजे हो गई, फिर 4:30 से अब हो गई 5:30, तो उसको टिकट तो मिल गई लेकिन वो अंदर जाके अब बैठेगी वेट करेगी, बस जो बासिल है ना वो ज्यादा तंग ना करे क्योंकि अब तो उसको वेट करना पड़ेगा और फिर जहाज का भी वेट होगा, मतलब 4-5 घंटे अब वो एयरपोर्ट और फ्लाइट ये सब। मेरे साथ अब बैठा डमाडस आगे, मम्मा पीछे और फरिया भी पीछे, मम्मा आगे नहीं बैठ रही, अब डमाडस को बैठा दिया, उसके साथ बैठूं, ओके सब सिर्फ बची है पापा की गाड़ी और मेरी गाड़ी। अरे भाई यहाँ तो गाड़ी में लीची की पार्टी चल रही है। मम्मा इतनी सारी लीची, इससे भी ज्यादा है, ये किसने ली इतनी सारी लीची? अबे तू खाएगा क्या इतनी सारी? अबे तुम लोग करो पार्टी, में ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ड्राइव पे फोकस करना लाजमी है। चल हम तुझे छील छील कर दे रहे, तू खा, चल ठीक है ठीक है। अबे वाह भाई वाह, तेरे को पूरी छील छील कर मिल रही है, फायदे है इससे, मुझे भी छील गया था भाई, आप कुछ छीलो चलो। अबे और खानी है बोल बस। अबे भाई इसको तो सूसी लग गया यार, ये तो चली गया सूसू करने, और हम लोग यहाँ बैठे हैं पीछे अकेले, वेट कर रहे हैं। अरे भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अबे डमांडस के मोबाइल में जो है ना मैंने वो मैप लगा लिया है, मैप देखते देखते हम जाएंगे भाई कराची, क्योंकि हमें जो है ना वो रास्ते प्रॉपरली पता नहीं है, हम होते हुए जाएंगे फैसलाबाद क्रॉस करेंगे, उसके बाद आएगा खानेवाल, फिर उसके बाद मुल्तान। अरे कराची कहाँ रह गया? ओए कराची यहाँ पर है भाई, ओए 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 ओए, फिर हैदराबाद, फिर कराची। मजा आ गया तुम लोग को तो भाई, पूरा पाकिस्तान तुम लोगों ने घूम लिया है सिर्फ इस कर्दू छोड़कर, और दूसरा के शहरों में नहीं गए हम, मोटर वे से गुजर रहे, लेकिन क्रॉस तो शहरों को ही कर रहे हैं ना, हम कहीं और नहीं जाएंगे। नहीं अब क्यों जाएंगे, कहीं और कहीं चले जाते हैं। अब कहाँ? किसी शहर में रुक जाते, किसी शहर में रुक जाते बस। हाँ। वहाँ क्या करते हैं, हमें कोई जानता पहचान तो थोड़ी है। अच्छा हाँ ना, अगर कोई जान पहचान का होता फिर रुकते ना। एक है रिश्तेदार। किधर है भाई? खानेवाल में। तो आप वहाँ रुक जाएंगे? पापा कह तो रहे नहीं, अब पापा ने बोला कि डायरेक्ट कराची जाएंगे, तो क्या सबा बेबी को भी भेज देना, तो हम डायरेक्ट बस अब कराची ही जा रहे हैं ना, पहले था हमारा प्लान कि हम कहीं रुक जाते हैं, थोड़ा सा और लंबा ट्रिप कर लेते, लेकिन नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह। बस अभी तो हमें पहाड़ों पे जाना था, जो हमारा मेन मकसद था कि हम पहाड़ पे जाएं, नरान कागान बाबूसर टॉप, वो हमने कर लिया है, तो कर लिया हमने ये भी, अब चलेंगे दोबारा मोटर वे पे। अभी टाइम हो रहे हैं 4, और कराची पहुँचते पहुँचते मुझे लग रहा है कि हमें बच जाएंगे सुबह के 9-10, आज का पूरा दिन हमारा गाड़ी में ही है, लाइक सोएंगे भी गाड़ी में, रहेंगे भी गाड़ी में। अरे फैसलाबाद मुल्तान कहाँ से जा रहे हैं? ओ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, ओके जी, और सामने जो है वो लाहौर है, तो हम लाहौर नहीं जा रहे, हम फैसलाबाद मुल्तान की तरफ मुड़ेंगे। आ गया जी फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे टूल प्लाजा। ओए 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 बस वाला हुआ, भाई यहाँ रुकना नहीं है क्या? अरे सारे केबिन खाली है गाइस, ये बस वाले इतने खतरनाक गाड़ी चलाते हैं मोटरवे पे। अब हमने कर दिया फैसलाबाद क्रॉस, और अब हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं, और अभी हमें जो है ना अगेन लग गया है, तो हम रेस्ट एरिया की तरफ मुड़ रहे हैं अभी हम। आराम गा, यहाँ देखते हैं, हमें पेट्रोल भी थोड़ा बनवाना है, पेट्रोल भी हमारा 3 सेल बचा है। पेट्रोल पंप तो आई नहीं यहाँ पर, पेट्रोल पंप आगे मिलेगा,
पेट्रोल खत्म हो गया हमारा तो भाई, हमने फैसलाबाद क्रॉस कर दिया है, अब हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। अरे यहाँ तो बस ही बस है, तो सारे लोग हैं भाई, बस वाले यहाँ रुकते होंगे आराम का वगैरह। पार्किंग मिल जाए भाई, ओ भाई अट जाओ अट जाओ अट जाओ, ओ मिल गई पार्किंग। चलो जी जी, आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है, 3 साल बचे मेरे भी। पता करो पेट्रोल पंप आगे आएगा ना अभी, वहीं पर रुकेंगे ना। हाँ वहीं पर रुके, फिर कितना दूर है पेट्रोल पंप? 12-13 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मोटरवे पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, एक शहर आएगा अभी टोपे या कोई गांव है, वहाँ पर हमें नीचे उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर वापसी मोटरवे पे चढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स गो। मेरी गाड़ी के 3 साल बचे, पापा की गाड़ी के 2 साल। हम बैठ गए आगे, टमाटर बैठ के पीछे। देखो गाड़ी में कितना कचरा है, अभी भी इसने उसे ने फेंका नहीं सही से, पता नहीं क्या क्या। अभी कचरा फेंकवाया था आपने? और क्या, जो दिया वो मैंने फेंक दिया। अच्छा हाँ, मैंने देखा नहीं था ना आगे। कचरा ही कचरा है पूरी गाड़ी में, पूरी गाड़ी कचरा हो गई। पूरी गाड़ी कचरा हो गई। अरे मामा गुस्सा आ गया, आगे बैठी मम्मी ने बोला सारा कचरा क्या है ये, इधर भी कचरा उधर भी कचरा उधर भी कचरा। तोबा कमालिया जंग आगे क्या था? अरे 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 अरे, बोर्ड तो तेजी से गुजर रहे हैं, अगर आप गाड़ी रोकोगे तो आपका पढ़ना आएगा, वरना तो नहीं। वो टूल प्लाजा पे देखते हैं कौन सा है भाई ये। तोबा तक सिंध। ओए अजीत भाई क्या कर रहे हो? क्या खा पी रहा? अबे गाड़ी में, ओ भाई तो पीछे भाई। वाह भाई वाह, अजीत भाई पीछे बैठ के खा रहा पी रहा है भाई। हमारे पास चीजें नहीं खाने पीने को, ले तो लेते, खाता कोई नहीं है यहाँ पर। अभी हम भी लेते हैं आगे से यार, हम भी पार्टी करते हैं। सही है, गाड़ी के सफर में पता है कि आपको रिक्वायर्ड होती चीजें, एक पेट्रोल, दूसरा गाड़ी ठीक होनी चाहिए आपकी, तीसरा अगर आप बोर हो रहे हो तो आपके बंदे अच्छे होने चाहिए कि आपसे बातचीत करें, चौथा आपके पास कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, आप खाते पीते रहो, आपको भूख लग रही हो प्यास लग रही हो, तो यस ये 3-4 चीजें होती हैं भाई। एक चीज भूल ही गया, पैसे भी होने चाहिए यार। पैसे के बगैर चीजें कैसे आएंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे कटे हैं भाई, और इस पे 40 रुपए लिखे हुए, अरे हमारे 880 रुपए कटे हैं भाई इस टूल के अंदर आते आते, बड़ा महंगा है भाई। सिंह, अच्छा तोबा तक सिंह, अच्छा अच्छा अच्छा। ओए भाई मिल गया हमें यहाँ पर पेट्रोल पंप, लेकिन इनके पास जो है ना वो नॉर्मल पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन नहीं है यार। 5,000 का डाल दो यहाँ पर, थोड़ा सा डलवा लेते पेट्रोल, अगर आगे हमें मिल गया पेट्रोल पंप तो हाई ऑक्टेन डलवाएंगे, कहीं हमारा इंजन खराब हो गया तो फिर गाड़ी रुक गई बीच में, तो फिर इसलिए हम कम डलवाते हैं। भाई जान ये गाँव है या शहर है? जी जी गाँव है। गाँव है हाँ। ओ कितना आया पेट्रोल, कितना आया पेट्रोल, 5,000 का तो सारा आ गया। यहाँ पर तो ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, गांव है ही पूरा। गांव टाइप शहर है ना यार, छोटा सा शहर है। तुम ट्रैक्टर चला लो, मजा है यहाँ पर भी, बंदा रहे ना सुकून है, तुम यही रह लो फिर सोचेंगे घर जाके। तो भाई अंदर वॉशरूम वगैरह बना, पापा ने यहाँ पर गाड़ी रोक ली है, तो यहाँ पर ये कर लेते हैं ताकि हम बहुत आगे जाकर रुके। अगर बीच में रुकना शुरू करते हैं ना, टाइम जाया होता है, फिर आप लेट पहुँचते हो किसी जगह पे। चलो चलो मैं चला रहा हूँ, मैं अंकल आ गए सामने, अंकल चला लूं। अंकल पैसे पूरे हो गए, बस पूरे हो गए, चलो बैठ गए, शौक पूरा हो गया, चलो अब गाड़ी बैठो, शाबाश। लिया लिया लिया, छीन के लिया भाई, बहुत बहुत पार्टी कर ली उसने भाई, चिप्स खा रहा है मजे मजे से, हमें भी खिलाओ। तो भाई और भूख लगी है, अबे अभी तो मैकडोनल्ड्स खाया था हमने, मैकडोनल्ड्स खाया था 3 बजे, अभी 7 बज गए, अब लग रही भूख। रात होने वाली है, कौन सा बोर्ड आ गया सामने? कराची भी आ गया। ओ कराची और मुल्तान, ओ कराची भी बोर्ड आ गया भाई, ताली भाई, कब से बोर्ड ही नहीं आ रहा कराची का, अभी बोर्ड आया कराची का, खुशी सी आ गई भाई अपने शहर का नाम सुन के। तो भाई मुल्तान के जो है हम टूर पे पहुंच चुके हैं। भाई जान यहाँ पर हलवे कहाँ मिलेंगे? मुल्तान शहर में आपको सही मिलेंगे। तो ये मुल्तान ऑफिशियल है ये टूल? तो बहुत है हलवे वाले बहुत है, लेकिन आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल नहीं मिलेगा? वो जो पेट्रोल पंप में मिलते हैं वो ओरिजिनल नहीं मिलेगा? शहर में जाओगे, शहर में ओरिजिनल मिलेगा, एक दुकान है ये बोलेंगे, शहर में आपको जाना पड़ेगा जब जाके आपको ओरिजिनल हलवा मिलेगा, वरना यहाँ पर लोकल मिलेंगे। तो लोकल खाना या ओरिजिनल खाना है ये तो आप पापा से पूछेंगे। भाई जान पेट्रोल पंप है अंदर? अच्छा वो पे दुकान बनी हुई हलवे की? ओके ओके थैंक यू। ओ ये अच्छा हुआ भाई, पेट्रोल पंप के सामने ही हलवे की दुकान है भाई। ओ हो हो हो, अस्सलाम वालेकुम। भैया हलवा होगा सबसे बेस्ट हलवा, सबसे दुनिया का बेस्ट। बढ़िया तू भी देख ले, तू पहली बार देख ली हलवा क्या? नहीं खाती? ओ अटूट भाई भी आ गया हलवा देखने, दिखा दो थोड़ा सा, खिला दो हमें। अब्दुल वदूद का नहीं, हाफिज का है? अब्दुल वदूद का है हमारे पास, हाफिज का आपको खाना कैसे मिलेगा? कहां से? ये क्या यार, अच्छा अच्छा है, मजे का हलवा हो रहा है, मीठा मीठा। हाँ लेकिन अब जैसा मिलेगा वैसे लेना पड़ेगा, मतलब ओरिजिनल नहीं है? नहीं। तो पापा ले लिया आपने? ये 4 लीटर डब्बे वाले बड़े, अच्छा छोटे जो हैं 6 लीटर 10 डब्बे। 10 डब्बे कितना पसंद है आपको? बांट भी देंगे ना, बता देंगे भाई मुल्तान से होते हुए। अच्छा बांटने के लिए भी लिए। मिल गया भाई हमें कोई रेस्टोरेंट, तो यहाँ बैठ के ही खा लेते हैं भाई रात का खाना। अरे ये कैसी टेबल मिल गई भाई, चलो जो भी मिला बैठ के खाते हैं यार। पर टमाटर वो देख ऊपर तार चल रहे हैं, आवाज़ कैसी आ रही है, करंट पास हो रहा है ना, गाइस ऊपर ही हमारे तार हैं पूरा। तो ये है भाई पूरा मेन्यू बड़ा सा, इसमें जो हमें पसंद आता है वो मंगा लें। गाइस ये देखो मेंढक है ये, और यहाँ पर छिपकलियां भी इतनी सारी हैं, एक वो रही एक इधर ही थी मैं आया, वो ये रही ये रही।
ये मेंढक कैसा दिख रहा है पीछे से? वो मेंढक आगे से ही पापा, पीछे से नहीं है, इधर ही है ये, इधर ही है। ओ मेंढक गिरा, ओ मेंढक, ओ मेंढक, ओ मेंढक, ओए ओए ओए, ओ मेंढक तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, उधक रहा है। आ गया जी खाना, आ गया। हमने ऑर्डर दिया है भाई मटन कढ़ाई का, मलाई बूटी का और अकबानी पुलाव का। सुल्तान में खाना खाकर फिर हम निकल जाएंगे कराची के लिए। नाश्ता हमें कब मिलेगा? नाश्ता तो बेटा घर जाके ही मिलेगा। ओके जी खाते हैं खाना। 12 बजने वाले हैं भाई और हम निकल पड़े हैं अगेन कराची के लिए। यार ये सारा ना ये सखर का रोड जो है ना, इस पे इतने सारे कीड़े, पूरा शीशा खराब हो चुका है मेरा। मैंने तो शूज वूज भी उतार दिए यार। भैया गाड़ी कह रहे हैं मुल्तान से जो चले ना, हाँ, दो लाइट के ऊपर एक जो है ब्रेक लाइट है, ब्रेक लाइट है। मैं समझ रहा था कि यार वो लाइट खराब हो गई। हाँ। यहाँ के पास चला गया वो सही है लाइट, ब्रेक लगा उस पर, यहाँ पर अच्छा पेट्रोल पंप पे लगा ब्रेक। हाँ, ब्रेक तो मारा नहीं इसने। 250 किलोमीटर चलाइए, ब्रेक नहीं मारा। अच्छा 250 में बगैर ब्रेक के चलाइए? खाली था ना यार, वो जो एक गाड़ी आई थी ना बीच में, उन्होंने डंपर दिया, वो जो है साइड में निकली और ये सीधा जा रहे हैं, ब्रेक नहीं मार रहे, ब्रेक नहीं मार रहे। पीछे वाला जो होगा वो तो घुस जाएगा, कोई नहीं ब्रेक मारना। भैया वो 500 रुपए इनाम में दे रहे। नो ब्रेक चैलेंज करते हैं, नो ब्रेक चैलेंज भाई करना भी नहीं भाई, गलत काम है ये बहुत। टंकी आधी होने वाली थी तो पेट्रोल डलवा लेते। और यार अभी दिल चाह रहा है कि भाई इधर ही सो जाऊं, नींद पूरी कर लूं अपनी, लेकिन दिल ये भी है कि यार जब लेके गया हूं तो फिर लेके भी वापसी जाऊं गाड़ी। और यकीन करो कि लाइफ का सबसे हसीन मेरा अभी तक टूर रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली साथ है और बाय रोड है, जो दिल में आ रहा है अलहमदुल्ला से कर रहे हैं और घूम रहे फिर रहे हैं। तो ये सफर जो है ना मेरा अब तक का सबसे बेस्ट सफर रहा है। तो अभी जो है गाड़ी को थोड़ी सी और चलानी, 12 बज रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कराची जो है ना वो सुबह के 8-9 बजे पहुंच जाएं। हो गया पेट्रोल फुल और यहाँ पर मैं खा रहा हूँ आड़ू। खाना आड़ू नहीं, हम जूस लेने जा रहे हैं। अबे ठीक है जूस और वो चिप्स वगैरह सब। आप देख रहे हो खाने के बाद सफर किया और डायरेक्ट फिर खाना खा रहे हैं, भूख लगी है यार। 4 घंटे उस बात को हमने खाया था 8:30 बजे खाना और अभी 12 बज रहे हैं। क्या हसीन मेमोरीज है यार, जो लोग आपने देखे ना वो मेरी कमाल की मेमोरी है यार। हम पहुंच गए रोहड़ी टूल प्लाजा और इधर से ही सक्कर भी आ जाता है, तो सक्कर के बाद जो है ना फिर जो मोटरवे है ना, जो इतना प्यारा मोटरवे जो हमारा पापा मुल्तान से है ना, मुल्तान से सक्कर तक जो मोटरवे है ना, क्या कमाल का मोटरवे भाई। ऐसा मोटरवे पूरे पाकिस्तान में नहीं है भाई, पूरे पाकिस्तान। और अब जो है वो सीधा सीधा एक रोड है, बट वो थोड़ा कच्चा भी है और पक्का भी है। कराची कितने किलोमीटर रह गया भाई? 400 करीब है। 400 करीब, तो भाई 5-6 घंटे की ड्राइव जो बची है वो कर रहा है भैया मेरी गाड़ी में। और यहाँ पर जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है PIA की परवाज A51 सखर से कराची की जानेब रवाना है, और रास्ते में मौसम के सूरत हाल की वजह से हवा के झोंके आएंगे तो किसी की छूटा ना निकले बिल्कुल भी। और कराची आप एक घंटे में पहुंच जाएंगे और सीट बेल्ट बांध लिया जाए। शबाटर पायलट हमने बिठा दिया है आगे, शबाटर पायलट बिल्कुल हमें पहुंचा देगा आधे घंटे में। ओ भाई ये अनाउंसमेंट फेक कर रहे हैं, तुम रेल में समझ लेंगे तुम जहाँ चला रहे हो। आगे से समझ जाइएगा, अगर मेटे मेटे आवाज आई तो समझ जाइएगा कलमा पढ़ लिए। ओ भाई प्लीज लो अनाउंसमेंट नहीं करना फसल की। तो इसके साथ ना हमें थोड़ा बहुत डर लगता है, नींद आ रही है हम लोग को लेकिन सो नहीं पा रहे। ड्राइव एंजॉय करो, यही तो है ड्राइव एंजॉय। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, रात के बज रहे 3 बजे, हम लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। तमाम चारों तरफ नजर है, चारों तरफ क्यों, आंखें तो हमारी दो है, चार तरफ कैसे? पीछे दिख रहा है, पीछे पीछे भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? दिख रहा है ये क्या कर रहा है? ये बोल रहे बस ठीक है पायलट आप इधर गाड़ी रोक ले मैं चला लेता हूँ। पापा जो है भाई वो पहले आगे थे जब मैं चला रहा था गाड़ी, बट अभी जो है पापा बिल्कुल पीछे हैं, दिख भी नहीं रहे। अबे ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही है? 346 मिनट्स लेटर। चलो भाई मेरे भाई इधर देखो, आके खोलो आके। अबे ये तो उठ ही नहीं रहा, सामने देखो, सामने सामने देखो, आके खोलो सामने देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच चुके हैं खैरियत के साथ, और तुम अभी नींद में हो, बाहर निकल जाओ, आ जाओ। हम इस्लामाबाद में नहीं है, हम कराची में भाई। ओ भाई मुझे तो पहुंचा दिया कराची भाई, मुबारक हो जी। 7:16 पे हम पहुंच गए कराची, हम निकले इस्लामाबाद से 3 और यहाँ पहुंचे कराची 7:00। ओके जी तो उतरते हैं, गाड़ी जो है ना काफी गंदी हो रही है, इसको कराते हैं फिर कल साफ। अभी हमने रेस्ट करना यार, क्या ये संभालेंगे। वालेकुम सलाम, घूम फिर क्या है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सर्दी था, गर्मी था, सर्दी भी था, गर्मी भी था और कड़ा भी था। हैदराबाद टूल से कराची टूल 40 मिनट। अच्छा 40 मिनट पहुंच गया भाई, तुम्हें पता है भैया को फॉलो कर रहे थे? हाँ तो भैया के साथ चल रहा था बस 40 मिनट पर, तो कुछ भी पॉसिबल है। ब्रेक तो है नहीं ना उसके पास बिल्कुल भी, तो मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं मारा, मैं सो रहा था। तो भाई फाइनली पहुंच गए भाई, दोनों गाड़ियां सही सलामत पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह से, दोनों ने बड़ा अच्छा साथ दिया है। चलो भाई चाचू बहुत मजा आया भाई, लगाएंगे इस तरह का।
एक और बाय बाय। चलो भाई हम तो पहुंच गए घर और जो सवार बेबी है ना वो तो है भाई अपनी नानी के घर पर। तो अभी तो हम उनको नहीं लेकर आ सकते क्योंकि हम अभी खुद थके हुए, अभी हम सोएंगे नहीं उसके बाद उनको लेकर आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या प्लान है, ऊपर नाश्ता करने को मिलता है या नहीं मिलता। मॉम बनाएंगी ना, अगर मॉम बना सकती है तो फिर नाश्ता करते वरना फिर सो जाएंगे। अब मैं एडवर्ट भाई तुम तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना जा रहे हो, पापा बोल रहे हैं तो बड़ी स्पीड में लेकर आया भाई। तेज गाड़ी चलाई यार, बस जो स्पीड लिमिट थी उस पे चलाई है, बस रुके नहीं ना कहीं। हाय भाई, हाय 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 हाय, अस्सलाम वालेकुम। हाय मैं बेडरूम, ओ नाइस, बड़ा क्लीन हो रहा है। हाय मेरे बेडरूम, हाय मेरे लिविंग रूम, यही सुकून सबसे ज्यादा मिलता है भाई। आप लोग जो व्लॉग में पीछे देखते हो हमारा घर आ रहा होता है, यही एक अच्छा फ्रेम याद रखना हमेशा, जहाँ से बंदा स्टार्ट लेते हैं ना वो चीज सबसे परफेक्ट होती है। अबे टपक तू आधे साथ लेट गया है बे, तूने बड़ी गाड़ी चलाई है जो तू फौरन से लेट गया। तू नहीं सोया था पीछे से, क्यों बे नींद नहीं आई थी क्या? नींद 10 मिनट की आई थी सिर्फ। क्यों तेरे को खड्डों में डाली थी गाड़ी क्या? जहाज में डर लगता है ना मुझे, बस समझ जा। ओवरऑल जो इतना बड़ा हमने वो किया है ट्रिप, तो उसमें मैं यही बोलूंगा कि भाई गाड़ी जो है एहतियात से चलाओ। भाई मॉम ने जो ना वो बाहर से नाश्ता मंगा लिया, नाश्ते में चाय और ये केक जो कि होटल में मिलता है और बिस्किट। सही है, थैंक यू मॉम। तो करते हैं भाई नाश्ता और इस व्लॉग को नाश्ते पे एंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरी हिस्ट्री का मेरी इस व्लॉग का जो नाश्ते पे एंड हो रहा है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त 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 कर दो। उम्मीद है आपको ये पूरा ट्रिप जो है ना बहुत पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और मुझे इतना मज़ा आया कि दिल नहीं किया था कि मैं वहाँ पर लाइक एडिट करने बैठूँ और काम करूँ, तो इसलिए ये पूरा ट्रिप जो है वो थोड़ा सा लेट है। और भी फिर आपने भी इसको इतना पसंद किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब जो है फिर वो घर के व्लॉग और इधर कराची के व्लॉग और फिर क्लैब और काफ़ी चीज़ें जो कि हमारी पेंडिंग है जो कि आएंगी, जो कि काम वो अब से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले करता था 365 डेज चैलेंज, वो पूरे साल का होता था, वो कर लेता था बस, उसमें काम वाम नहीं होते थे। अब जो है ना वो टीचर काम है गाइज, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आई तो फिर हम 365 डेज कर सकते, वरना हम फिर काम भी करेंगे और व्लॉग भी करेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।